वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर ए टू जेड चैनल देन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू मेक कॉमेंट एंड शेयर। लेट स्टार्ट द वीडियो, स्टे टिल द एंड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, और आज हम एक एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं। ये एप्लीकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार की परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एप्लीकेशन में क्या कहा जा रहा है, किस तरह लिखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव ड्यू टू हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम। यानी घर में आवश्यक कार्य होने के कारण प्राचार्य जी को एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे, इसी के बारे में आज हम डिटेल से बताने का कष्ट करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए और देखिए क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो पहला चीज़ दिया हुआ है कि इसको लिखने का टेक्निक है, या लिखेंगे टू, उसके बाद कॉमा मारेंगे, टू द प्रिंसिपल, या लिखेंगे स्कूल का नाम, लिखेंगे जो भी आपका स्कूल का नाम है। यहाँ लिखते हैं मिडिल स्कूल मरकुंडा, स्टेट का नाम लिखेंगे तो वो भी अच्छा है, ज़िला का नाम लिखेंगे वो भी अच्छा है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, किस विषय में लिखा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है तो उसी के बारे में लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है रिस्पेक्टेड सर, यानी सर को हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या कहेंगे, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टू ऑफ योर स्कूल। यानी मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का टू क्लास का छात्रा हूँ, विद्यार्थी हूँ, वही हो गया। आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टू ऑफ योर स्कूल। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम, हमारे घर में कुछ आवश्यक कार्य है इसलिए क्या कहेंगे, स्कूल आने में असमर्थ हूँ। तो आई विल बी बिजी इन इट फॉर फाइव डेज, मैं पाँच दिनों तक व्यस्त रहूँगा। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फाइव डेज फ्रॉम 6 जनवरी 2021 टू 10 जनवरी 2021, यानी 6 जनवरी से 10 जनवरी तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, इसी के लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो उसके बाद क्या लिखा है, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस वर्क ऑफ काइंडनेस। उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली, ये पुपिल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, योर ओबीडियंट पुपिल लिख सकते हैं, या योर्स ओबीडियंटली ये भी लिखेंगे। तो या नाम लिखेंगे, क्या नाम है आप अपना लिखेंगे, और क्लास लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो पुनः एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर से सरसरी नज़र से दिखाते हैं आपको। ये दिया हुआ है टू द प्रिंसिपल मिडिल स्कूल मरकुंडा झारखंड, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टू ऑफ योर स्कूल, आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम, आई विल बी बिजी इन इट फॉर फाइव डेज, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फाइव डेज फ्रॉम 6 जनवरी 2021 टू 10 जनवरी 2021, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस वर्क ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंट पुपिल, नाम लिखेंगे जो दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इट इज माई रिक्वेस्टेड टू यू टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, अंटिल देन आई गेट परमिशन इन द अदर वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।